चीजें अब महसूस हो रही, लेकिन मुझे समझ में नहीं आ रही थी। सो एज मैं 17 इयर्स अब्रॉड में थी, मैं इंडिया में नहीं थी। अब्रॉड में से मैं 2018 में मैं इंडिया में आई। इंडिया में आने के बाद मेरा लाइफ स्टाइल टोटली चेंज हो गया, और यहाँ का खाना पीना, यहाँ पे फेस्टिवल्स, यहाँ पे रिलेटिव्स के यहाँ एवरीडे कुछ ना कुछ। सो जस्ट पुट ऑन वेट किया, लाइफ स्टाइल चेंज हुआ, इसके चलते वेट तो गेन हुआ ही, उसके साथ फाइब्रोमेलजिया हुआ, उसके साथ मुझे स्किन के बहुत इश्यूज थे, बहुत सारे बड़े बड़े पिंपल्स, 35 के बाद मुझे पिंपल्स आना शुरू हो गया। जबकि बच्चों को टीनेजर्स में आते हैं या फिर सबको एक हार्मोनल चेंजेस के दौरान आते हैं, लेकिन मेरा पूरा मतलब बाद में हुआ है। उस पर्टिकुलर एज में मुझे कोई भी पिंपल नहीं था, नथिंग। लेकिन जब मैंने जब ये फाइब्रोमायल्जिया, उसके साथ ही मुझे स्किन के भी इशू थे, मुझे समझ में नहीं आ रहा था एग्जैक्टली मैं ट्रीटमेंट किस चीज का लूँ या फिर किस चीज के लिए मैं ज्यादा अपना अपने आप को लाइक वर्क करूँ। फिर उसके लिए मैंने काफी प्रयास किया है, बहुत सारे मैंने बहुत सारा मैंने ट्रीटमेंट लिया हुआ है स्किन के लिए, बहुत पैसा खर्चा किया है। सो मुझे माइग्रेन का भी इशू था, माइग्रेन मुझे शुरू हो गया था, एक साल हो गया था माइग्रेन शुरू होके। मुझे सब पहले शुरू में समझ में नहीं आ रहा था माइग्रेन या माइल्ड हेडेक है। सो मेरे लिए आज का जो टॉपिक है हेडेक, ये बहुत मेरे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ये मेरे कुछ सिम्टम्स से बहुत रिलेटेड है। यहाँ पे काफी लोगों को भी इश्यूज हुए होंगे माइग्रेन के, जिनको ये प्रॉब्लम्स फेस किया होगा जिन्होंने, लेकिन शुरू में कभी भी समझता नहीं कि ये माइग्रेन है या सिंपल हेडेक है, व्हाट टाइप ऑफ हेडेक है, ये समझता नहीं जब तक आप उस चीज पे कुछ खोज नहीं करते या फिर उस चीज पे आप ज्यादा ध्यान नहीं देते, उस चीज पे आप ज्यादा पढ़ते नहीं, मालूमत नहीं लेते। सो दिस ये सब होते होते ये बढ़ते जाता है। मुझे कॉन्स्टिपेशन का भी बहुत तकलीफ था, मेरा पेट साफ नहीं होता था, जबकि मैं बहुत सारा, मुझे लगता था फाइबर इंटेक करने से मेरा पेट साफ होगा, तो मैं बहुत सारा रात के समय भी सलाद खाती थी खाना खाने के पहले। कोई होटल में भी खाना खाने जाते थे, सबसे पहले सलाद का प्लेट खत्म करती थी, बट व्हाई इट वाज नॉट वर्किंग, नथिंग वाज वर्किंग। कॉन्स्टिपेशन की वजह से मेरा फूड वैसे स्टक रहता था पेट में, लेकिन हंगर तो आता था, भूख तो लगती थी भूख के समय पे, लेकिन पेट साफ नहीं हो रहा है। एंड देन पूरा हीट बॉडी में डेवलप हो रही है स्किन के थ्रू, पिंपल्स के, पिंपल्स से बाहर आ रही है, पिंपल्स के अंदर पस हो रहा है, इन्फेक्शन फैल रहा है। एंड देन ये कॉन्स्टिपेशन मेरे को लेके गया एक फर्स्ट डिग्री पाइल्स में, बहुत तकलीफ हुआ है मुझे। मैंने काफी बहुत कोशिश की है इन सब चीजों में से बाहर निकलने की, लेकिन हुआ है ये है कि कोई भी चीज से मुझे राहत नहीं मिली थी उस समय। देन मेरा ईटिंग डिसऑर्डर्स भी बहुत हो गया था, जैसा रॉन्ग समय पे काफी भूख लगती थी, क्रेविंग्स बहुत हो रही थी, मुझे बहुत आदत थी पहले भी खाने के बाद कुछ मीठा खाने के लिए। सो वो लिमिट नहीं रहती थी कि थोड़ा चलो इतना सा स्वीट खा लिया, बाउल भर के आइसक्रीम खाना या फिर कुछ मीठा हलवा खा लेना है, एनीथिंग, चॉकलेट्स, ये वो, ये सब पसंदीदा चीजें मेरे बहुत पहले, लेकिन अभी इस पे क्रेविंग्स मेरे काफी रिड्यूस हुए हैं। सो ये देखिए आप यहाँ पे, मैं ये मेरा रिजल्ट जब भी शेयर करती हूँ मुझे बहुत प्राउड फील होता है, स्पेशली स्किन के बारे में, क्योंकि मैंने इसके लिए बहुत 3 साल मैंने बहुत स्ट्रगल किया है। आप देखोगे ये लेफ्ट साइड का जो पिक है मेरा, ये है आफ्टर ट्रीटमेंट वाला, यू आर गेटिंग इट, आफ्टर ट्रीटमेंट वाला ये पिक है मेरा, जहाँ पे पिंपल्स थोड़े बहुत दब गए हैं, लेकिन बहुत सारे निशान छोड़ गए, बहुत सारे बहुत सारे डार्क पैचेस है फेस के ऊपर, ऑयल देखो कितना सिक्रेट हुआ है, एंड ओवरऑल द कॉन्फिडेंस हैज लॉस्ट, बट स्टिल मैं एक स्माइल दे रही हूँ वो पिक पे। सो ये सब चेंजेस हुए, मैंने बहुत खर्चा किया है उस समय, मैंने लेजर थेरेपी किया है स्किन के, बहुत सेटिंग्स किए हुए हैं, मेडिसिन खाए हैं और मलम लगाए, बहुत सारे क्रीम्स लगाए, और क्रीम्स भी ऐसे नहीं थे मॉर्निंग में एक लगाओ, दोपहर में लगाओ, सोते समय लगाओ, ये चीज से फेस वॉश करो, ये करो, वो करो, ये मुझे बहुत लाइक कुटाना टाइप लगता है, मुझे बिल्कुल ये सब चीजें नहीं भाती है। आई वॉन्ट लाइक वेरी सिंपल गुड ट्रीटमेंट। लेकिन जब मैं स्टे फिट एनएक्स फैमिली में जुड़ी, मैंने सचिन सर से मिली, जब मैंने डिस्कस किया उनको मेरा इशू, उन्होंने मुझे बहुत ही सरल तरीके से अपना चाय नाश्ते के बारे में बताया, एंड आई वाज लाइक चाय नाश्ता, व्हाट इज दिस चाय नाश्ता। जब मैंने ये देखा तो अरे ये तो प्रोग्राम मैंने कर चुकी हूँ, ऐसा मुझे ख्याल आया कि मैंने ये प्रोग्राम 2000
11 में मैंने ये प्रोग्राम लिया हुआ है, बट आई टेल यू लाइक वेरी फर्मली कि मैं टोटली फेलियर थी उस समय, मुझे कोई भी इफेक्ट हुआ नहीं है, यही चाय नाश्ता मैंने लिया था, लेकिन मुझे प्रॉपर कोचिंग नहीं किया गया था, मुझे प्रॉपर बताया नहीं गया था कि ये कैसा लेना है, टाइमिंग क्या है, खाने पीने का, ओवरऑल लाइक पूरा लाइफस्टाइल यहाँ पे बिगड़ा हुआ था ऑलमोस्ट, और वहां पे बताया नहीं गया था। एक महीने में मैंने कुछ भी वेट भी लॉस नहीं किया था, मेरा स्किन के इश्यूज भी शुरू हो गए थे और नो रिजल्ट। देन मैंने स्टे फिट एनएक्स फैमिली में ज्वाइन करने के बाद चाय नाश्ता, सिर्फ चाय नाश्ता स्टार्टिंग में मैंने रिप्लेस किया, वो भी मैंने फर्स्ट 10 डेज वन टाइम ही लिया था क्योंकि डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ बॉडी हो रहा था, एंड स्लोली मुझे रिजल्ट दिखने लग गए, बहुत ही शुरू के 10 दिन में मुझे अच्छे रिजल्ट्स दिखने लगे, एंड यू कैन सी दिस इज माय लाइक लास्ट ईयर का मेरा पिक है जो राइट वाला है, जो कि मेरे स्किन के काफी इश्यूज सॉल्व हो गए और अभी भी हल्के से दाग हो गए, लेकिन वो इंटेंसिटी नहीं जो पहले बहुत ज्यादा थे, सो यू कैन सी द चेंजेस, और अभी आपके सामने भी हूं मैं। ओके, ये मेरे मेंटर है सचिन सर और उनका फैमिली। इन सचिन सर को जब मैं मिली थी उनका मैंने काफी ड्रेस्टिकल चेंजेस देखा था बिफोर एंड आफ्टर, और उन्होंने उनका जो मेडिकल कंडीशन था वो मैंने बहुत गौर से सुना था। उन्होंने जैसे बताया था कि डायबिटिक इशू उनका रिवर्सिबल हुआ है और उन्होंने बहुत ही बड़ा मेजर फैट लॉस किया है, एंड ही वाज लाइक मैंने हमेशा देखा है बहुत मेजर फैट लॉस करते हैं तो स्किन का काफी लटकना शुरू हो जाता है, आंखों के नीचे काले धब्बे होते हैं, एंड यू लुक संकन, मतलब आप दिखाई देते हैं आपने बहुत सारा वेट लॉस करे और आपके चेहरे पे दिखता, लेकिन ऐसा नहीं था। सचिन सर वॉज लाइक ग्लोइंग, ही वॉज हैविंग गुड पर्सनैलिटी, एंड आईज मैंने देखा है उनको कि काफी उनमें वो एनर्जी लेवल जो वो इतने खुशी से बता रहे थे, तो ये सब चीजें मुझे बहुत इम्पैक्ट कर गई, एंड आई स्टार्टेड माय प्रोग्राम, मैंने भी वहां पे यही प्रोग्राम स्टार्ट किया। उन्होंने जस्ट होल्ड ऑन, यस, सचिन सर का देख के ही मैंने प्रोग्राम स्टार्ट किया, और उनकी बदौलत मैंने वेट लॉस मैराथन जो फर्स्ट टाइम हुआ था औरंगाबाद में जो फिजिकल क्लब में हुआ था, सो देयर आल्सो लाइक आई वाज द विनर, एंड यस पूरा श्रेय मैं सचिन सर को देना चाहती हूँ, उनके गाइडलाइन की वजह से ही मैंने वो सब प्राप्त किया हुआ है, सो आई ऑलवेज फील प्राउड अबाउट दैट आल्सो कि मैंने फर्स्ट वेट लॉस मैराथन में मैं विनर रह चुकी हूँ, सो थैंक यू सो मच फॉर दैट माय मेंटर। हमारे मार्क यूज सर है जिनकी वजह से ये सब कुछ हमारे जीवन में आया है चाय नाश्ता, और हम लोग टोटली हम डिफरेंट लाइफ जी रहे हैं अभी, और हम इनको सलाम करे बगैर हम लोग बिल्कुल आगे नहीं बढ़ सकते, और इनका जो ये मोटिवेशनल कोट है मुझे बहुत हमेशा मोटिवेट करता है कि अगर आपको कॉम्पिटिट करना है तो आप खुद से ही कॉम्पिटिट करो, क्योंकि आपकी चाबी आपके पास ही है, एंड आपका आपका बॉडी ही आपका घर है, आपको उसी को आपको संभालना है, एंड दैट ऑल बहुत कंसेप्ट मुझे ये सही लगता है, एंड आई ऑलवेज ट्राई, मैं ह्यूमन बींग हूँ, मैं नहीं बोल सकती कि मैं रोज ये फॉलो करती हूँ, हम एवरी डे अगर कुछ पढ़ेंगे देखेंगे करेंगे तभी हम फॉलो कर पाते हैं, सो इवन मेरे लिए भी वही लागू होता है, सो थैंक यू सो मच फॉर मार्क यूज सर। सो टुडेज टॉपिक इज हेडेक, अभी सर दर्द बोले तो ये बहुत ही आम बात है ना, सरदर्द ऐसा कोई है क्या अपने जहाँ ग्रुप में कि किसी को कभी सरदर्द ही नहीं हुआ है करके, जैसे कभी हेडेक ही नहीं हुआ है कोई, I don't think so. It's not ये बहुत ही कॉमन है ना हेडेक। सो हम आज के टॉपिक की तरफ चलते हैं। सो व्हाट इज हेडेक? हेडेक इज डिफाइंड एज अ पेन, ये एक दर्द है, ये सिर्फ दर्द है, हम इसको लक्षण बोल सकते हैं, ये कोई डिजीज नहीं है, हेडेक कभी भी डिजीज नहीं होता है, ये आपको ध्यान में रखना है, ओके? लेकिन हेडेक कैसे होता है, किस तरह से होता है, ये चीजों को जानना बहुत जरूरी होता है, लेकिन एक सिंपल जैसा ओके मेरा सर दर्द हो रहा है, आज मैंने अफ्रेश नहीं लिया, मुझे अभी अफ्रेश की आदत हो गई राइट, अफ्रेश पीने की, सो अगर मैं एक दिन नहीं लेती तो मुझे बेचैनी हो जाती, रेस्टलेस लगती, ये तो एक तो एडिक्शन पैटर्न नहीं बोल सकते इसको, लेकिन आपको कहीं ना कहीं कोई ना कोई चीज से ऐसे लगेगा कि मुझे सर दर्द हो रहा है, सो इट इज वेरी कॉमन, ओके? हेडेक एक पेन होता है जो हमारे आंखों के ऊपर, कानों के ऊपर, या फिर ये ऑक्सीपिटल रीजन रहता है, हमारे सिर के पीछे का जो भाग रहता है, ये जो नेक होता है, नेक का जो ऊपरी भाग होता है उसे हम ऑक्सीपिटल रीजन बोलते हैं, इन सभी एरियाज में पेन होता है, दैट इज कॉल्ड एज अ
हेड है, कभी यहाँ होगा, कभी इधर होगा, कोई भी एरियाज में. अब जितने भी टिश्यूज है, टिश्यूज मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स, पेशी होती है ना, उसका जो ग्रुप होता है उसको हम टिश्यू बोलते हैं. कोई भी टिश्यू है या फिर कोई भी स्ट्रक्चर है जो सिर के ब्रेन के बाजू आजू बाजू में होता है, वहां पे अगर पेन ओरिजिनेट होता है, वहां पे किसी भी तरह का दर्द होता है, उसे हम क्या कहते हैं, हेडेक बोलते हैं. ये बहुत ही नॉन टेक्निकल वे में मैं आपको बता रही हूँ. सो हम इसमें देखेंगे कि टाइप्स ऑफ हेडेक क्या होते हैं. सो देर आर मेनली दो टाइप के हेडेक होते हैं, प्राइमरी हेडेक एंड सेकेंडरी हेडेक. अब प्राइमरी हेडेक के बारे में हम देखेंगे, जो बहुत ज्यादा ज्यादा मात्रा में लोगों में पाया जाता है वो है प्राइमरी हेडेक. अभी प्राइमरी हेडेक में भी और तीन टाइप के होते हैं, आप जान रहे हो ना, मैंने आपसे बोला है दो टाइप के हेडेक होते हैं, प्राइमरी और सेकेंडरी. लेकिन प्राइमरी में तीन टाइप के होते हैं. प्राइमरी में तीन टाइप के कौन से होते हैं, टेंशन हेडेक होता है, माइग्रेन हेडेक होता है और क्लस्टर हेडेक होता है. ओके, तो हम लोग अभी सबसे पहले देखेंगे व्हाट इज टेंशन हेडेक. टेंशन हेडेक अभी इस पिक्चर में आप देख रहे हो कि ये जो बैंड लाइक प्रेशर है यहाँ पे देखो, जो रेड मार्क दिया हुआ है यहाँ पे, तो ऐसा यहाँ पे ये इसके कहते हैं हम लोग टेंशन टाइप ऑफ हेडेक. जो ऐसा ये बहुत ही कॉमन है, बहुत कॉमन है. कोई कोई लोग सिर दर्द होता है तो यू पट्टी लगा के बैठ जाते हैं, उनको अच्छा लगता है. और किसी किसी को मतलब कोई सर दर्द की गोली खा लेते हैं, और लेकिन उनको लगता है कि गोली खाएंगे, एस्पिरिन डिस्प्रिन जो भी टैबलेट लेते हैं आप लोग, अगर उनको लगता है ये गोली खाएंगे तो उनको रिलैक्स मिल जाएगा हेडेक से. लेकिन कोई भी ये ट्राई नहीं करता है कि क्यों ना हम लाइक पेन किलर की जगह पेन रिमूवर की तरफ ज्यादा लक्ष्य दें. हम ये नहीं देखते हैं कि इस गोली से हमें मतलब बाद में चल के अगर आप हैबिचुअल हो गए एवरीडे टैबलेट खाने के लिए, अगर सिर में दर्द हो रहा है सो आपको एक दिन यू हैव टू फेस द प्रॉब्लम, आपको फेस करना पड़ता है. स्पेशली आपको किडनीज के इश्यू शुरू हो जाते हैं, लीवर का डिसफंक्शन शुरू होता है, साथ ही साथ आपको स्टमक का अल्सर होने लगता है. यू नो मैनी बहुत सारे प्रॉब्लम्स है कि जिसकी वजह से आपको पेन किलर्स से आपको हाथ धोना पड़ता है. सो इट्स अभी नहीं होता है, लेकिन बहुत ज्यादा खाने के बाद आपको बाद में लाइक उसके सिम्टम्स दिखाई देते हैं. सो यहाँ पे हम टेंशन हेडेक के बारे में बात करें, बहुत ही कॉमन होता है. ये बायलैटरल होता है, बायलैटरल मतलब दोनों तरफ, सभी तरफ होता है. यूनिलैटरल कभी भी वन साइड होता है, एक साइड में, उसे हम यूनिलैटरल बोलते हैं. बायलैटरल यानी दोनों साइड, बायलैटरल तो होता है लेकिन फ्रंटल होता है, ऑक्सीपिटल भी होता है. सो ये होता है टेंशन हेडेक. और ये ग्रेजुअल ऑनसेट है, मतलब इसको एकदम फटाक से ये हेडेक शुरू नहीं होता है. टेंशन हेडेक ये स्लोली 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 बढ़ता है. और ये जो है यहाँ जितने भी मसल्स है, स्नायु है ये हमारे ब्रेन के आजू बाजू में हेड के ऊपर, ये सब मसल रिलेटेड हेडेक है. ये मसल में कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाता है वहां पे, इन शॉर्ट हम लाइट इंफ्लेमेशन स्टार्ट हो जाता है, तब जाके वो हेडेक शुरू हो जाता है. ऐसा लगता है जैसे मान लो सिर को किसी ने टाइट पकड़ लिया है, बहुत सारा प्रेस कर रहे हैं, ऐसा टाइट बैंड बांध दिया है, इस तरह का महसूस होने लगता है, उसे हम बोलते हैं टेंशन हेडेक. ये यूजुअली एज 15-40 इयर्स के बीच में होता है, क्योंकि देखा जाए तो हेडेक्स मोस्टली आफ्टर प्यूबर्टी एज ज्यादा हिट करता है, टिल लाइक लेडीज में भी लाइक मेनोपॉजल का, वंस मेनोपॉज क्रॉस कर डालते हैं उसके बाद में ये हेडेक कम हो जाता है. सो उसके पीछे काफी हार्मोनल इश्यूज होते हैं, हार्मोनल वैल्यूज होते हैं. सो यहाँ पे देखा जाएगा कि फीमेल्स में ज्यादातर पाया जाता है टेंशन हेडेक. हम बोल सकते हैं फीमेल्स ऑलवेज ग्रैप विद द टेंशंस, यू नो. और ये जो एज मैंने बताया, इस एज में फीमेल्स के ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां भी आ जाती है. ये नहीं है कि पुरुषों में जिम्मेदारियां नहीं होती है, लेकिन जो है कि फीमेल्स में जो होता है कि शी गोज विद द यू नो एक मेनार्की स्टेज में जाती है, प्यूबर्टी हिट करती है, उसको मेंसेस शुरू होते हैं, हार्मोनल चेंजेस होते हैं, एस्ट्रोजन जो हमारे पिट्यूटरी ग्लैंड से सिक्रेट होता है एस्ट्रोजन, तो वो लेवल में फ्लक्चुएशन होने लगता है. सो दिस ऑल ये सब चीजें जो है वो फीमेल्स को ज्यादातर प्रॉन करती है टेंशन हेडेक के लिए. ओके, सो फीमेल्स में ज्यादातर पाया जाता है, और महिलाओं के पीछे काफी लाइक वो जेंट्स के तुलना में महिलाओं
ज्यादा सोचती है और ज्यादा भार लेती है कोई भी बात का, फिर उसको ज्यादा देखभाल भी तो करनी पड़ती है अपने बच्चों के प्रति, घर के प्रति, यू नो एवरीथिंग. सो ये भी एक टेंशन हेडेक का एक कारण हो जाता है. नाउ यू कम लाइक इसका जो ड्यूरेशन होता है, इस टाइप का टेंशन हेडेक का जो ड्यूरेशन होता है वो इज लाइक 30 मिनट तक पेन हो सकता है. ये बढ़ते 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 7 डेज तक जा सकता है. ओके, तो ये सीवियरिटी बढ़ती है, कभी भी ये माइल्ड से मॉडरेट एंड देन इट कैन गो सीवियर, ऐसा वो अपना लेवल तय करता है. स्लोली स्लोली ये बढ़ता है. अगर आपको सेम हैबिट है, एवरीडे आप वही प्रेशराइज कर रहे हैं अपने आप को, हर छोटी चीज का टेंशन ले रहे हैं, या फिर कोई ऑफिस में वर्क कर रहा है, किसी को बॉस का टेंशन, जब तक बॉस है उसको हेडेक होगा, बॉस चले गया हेडेक चले जाएगा. ओके, ये क्या होता है कि यू आर दैट इज अ टेंशन टाइप ऑफ हेडेक. या फिर कुछ चीज तुमको सता रही है, कुछ चीज तुमको कंटिन्यू तुम्हारे दिमाग में आ रही है, उसका तुम टेंशन ले रहे हो, ये सब चीजें क्या होती है, आपको टेंशन हेडेक क्रिएट करती है. इसमें होता क्या है कि आप अगर इस टेंशन हेडेक से गुजर रहे हैं तो आपको कॉन्सेंट्रेशन करने में बहुत डिफिकल्ट जाता है. यू कांट कॉन्सेंट्रेट, एक फोकस नहीं रहते आप कोई भी एक जगह पे, तो आपका माइंड डाइवर्ट करता है इधर उधर. सो और ये जो हेडेक है स्पेशली किसी किसी को मतलब इवनिंग में बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि दिन भर में वो जो करते हैं वो सोचना शुरू कर देते हैं, माइट बी दिस इज द रीजन, और इवनिंग में वो ज्यादा वर्स्ट होता है, मॉर्निंग में थोड़ा बेटर फील करते हैं. एंड इसी के लिए एक ही उपाय है कि आप बस रेस्ट करना है इस हेडेक के लिए. ओके, सो विल गो टू ये जो हेडेक है, टेंशन टाइप हेडेक है, ये आपका मतलब बिल्कुल बढ़ेगा नहीं अगर आप फिजिकल एक्टिविटी करते हैं. कोई कोई हेडेक, फॉर एग्जांपल माइग्रेन के बारे में आगे बात करने वाली हूँ, तो माइग्रेन में क्या है, फिजिकल एक्टिविटी करने के बाद हेडेक बढ़ता है, लेकिन टेंशन हेडेक में ऐसा नहीं होता है, उसमें कोई भी एग्रीवेशन नहीं होता है. ओके, अभी हमको क्या करना है, जब हम टेंशन हेडेक से गुजर रहे थे, सबसे पहले हमको ट्रिगर्स क्या है, ट्रिगर्स किस वजह से ये हो सकता है, ये हमको फाइंड करना है. अगर हमको ट्रिगर्स मालूम पड़ता है तो हम लोग ट्रिगर्स 1111 हम उसको कट डाउन कर सकते हैं और हम अगले लेवल लाइक यू नो इम्प्रूविंग योर सेल्फ अगले लेवल तक अपन जा सकते हैं. जैसे ट्रिगर्स में मैं बताऊंगी डिहाइड्रेशन, अगर बॉडी डिहाइड्रेट होती है समहाउ, ओके, उसकी वजह से भी आपको टेंशन हेडेक हो सकता है. बहुत भूख लगती है लेकिन आप कुछ खाते नहीं, हाइपोग्लाइसेमिक कंडीशन में आप चले जाते हो, आपका शुगर लेवल डाउन हो जाता है बॉडी का, सभी का होता है. अगर आप खाओगे नहीं, बहुत ज्यादा फास्टिंग मोड में जाओगे तो आपका बिल्कुल हाइपोग्लाइसेमिक में आप चले जाते हो, तो वहां पे क्या होता है, ज्यादा हंगर रहने की वजह से भी टेंशन हेडेक होती है. ये पूरा सराउंडिंग पार्ट में दर्द होना शुरू होता है. स्लीप डिप्रिवेशन, अगर आप सही से नहीं सो रहे हो, आप बराबर टाइम नींद नहीं ले रहे हो पूरे आवर्स, उससे भी आपको तकलीफ होती है. अगर कुछ आवाज भी आती है तब भी आपको हेडेक होता है. एक एंजाइटी और स्ट्रेस, जिसके बारे में मैंने बताया टेंशन हेडेक में, ये बहुत ज्यादा पाया जाता है. स्पेशली यू नो एंजाइटी सभी को कभी ना कभी लाइफ में हो ही जाती है, कोई ना कोई चीज से हम टेंशन लेते हैं, उसी बारे में सोचते हैं, स्ट्रेस लेना शुरू कर देते हैं. सो ये क्या है कि इसकी वजह से भी हम टेंशन हेडेक वी कैन थिंक ऑफ. डिप्रेशन, कोई कोई ऑलरेडी डिप्रेशन में बहुत सोचते हैं, बहुत पता नहीं डिप्रेशन में उस कंडीशन में लोग चले जाते हैं ये सोच के कि शायद उसके हाथ में सब कुछ है और दे गो इनटू डिप्रेशन, लेकिन ऐसा नहीं होता है. यू शुड ट्राई, आपको डिप्रेशन के बाहर आना है, फ्रस्ट्रेशन के बाहर आना है, एंजाइटी स्ट्रेस के बाहर आना है, ताकि आपको आगे की जो बीमारियां है वो लगे नहीं. ओके, पुअर पोस्चर, अभी आप अगर ठीक से बैठ रहे हैं, अगर आप कंप्यूटर पे काम कर रहे हो या फिर आप बुक पढ़ रहे हो, अगर आपका पोस्चर सही नहीं है, अगर आप सही से नहीं बैठ रहे हो तो आपको जरूर यहाँ पे पेन होगा, ये भी एक टाइप ऑफ टेंशन हेडेक क्रिएट करेगा. ओके, इसके लिए आपको एक ही उपाय, आपको जो है जितने भी ट्रिगर्स मैंने अभी बताए हैं जिसकी वजह से ये सब टेंशन हेडेक हिट करता है, वो ट्रिगर्स को अवॉइड करना है. ज्यादा से ज्यादा उसको सोचना है कि ये कैसा बंद हो सके, एंड यू नीड टू टेक अ रेस्ट. ओके, रेस्ट इसके लिए सबसे बेस्ट है. देन यू कम, जो बहुत ही मैंने अपने प्रोग्राम्स में काफी बार सुना है कि बहुत ही लाइक कॉमन माइग्रेन हेडेक, या सो इट इज अ कंडीशन एक्चुअली, ये कोई डिजीज नहीं है. अभी भी मैं वही बोल रही हूँ, हेडेक इज नॉट अ डिजीज, एक लक्षण है, ये कोई रोग नहीं है. ओके, सो माइग्रेन इज नॉट अ बहुत बड़ा इशू नहीं है, ये जस्ट एक सर्टन लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से माइग्रेन क्रिएट होता है, लेकिन माइग्रेन इज नॉट कम्प्लीटली ट्रीटेड. ट्रीटमेंट कोई चीज का कम्प्लीटली नहीं होता है जब तक आप आपकी लाइफस्टाइल नहीं चेंज करते हैं. सो लेकिन इसका जो फ्रिक्वेंसी लेवल है, इसका जो तीव्रता है, वो आप कई हद तक कम कर सकते हैं. तो माइग्रेन आप जैसे पिक्चर में यहाँ पे देख रहे हो कि
ये देखो वन साइडेड है, यूनिलैटरल मतलब वन साइडेड है, ये बहुत ही सीवियर हेडेक होता है। सो आप देखते हैं फ्रंटल एरिया, साइड एरिया, बैक एरिया, वन साइड कहाँ पे भी ये पेन हो सकता है। इट इज अ स्ट्रॉन्ग हेडेक, ओके। और ये स्ट्रॉन्ग हेडेक तो होता ही है, लेकिन स्ट्रॉन्ग हेडेक के साथ साथ आपको मतली फील होता है, वॉमिटिंग के जैसा, नौशिया मतलब मड़मड़ होने, यू नो वॉमिटिंग के जैसा होता है, या फिर किसी किसी को वॉमिटिंग हो जाता है। एंड ये लोगों को बहुत ही सेंसिटिव रहते हैं, कोई भी आवाज उनको सहे नहीं जाती, या फिर एकदम ब्राइट लाइट अगर आंखों के ऊपर आ जाता है तो बिल्कुल वो सहे नहीं पाते हैं। सो ये माइग्रेन के ना चार फेज होते हैं। माइग्रेन एकदम इमीडिएटली हमने बोल सकते हैं सिर दर्द हो रहा तो मुझे माइग्रेन हो रहा है, नो माइग्रेन के चार फेजेस है। तो आपको ये जानना है कि आपको कैसा माइग्रेन हो रहा है। ये देखो फेज वन होता है, टू, थ्री एंड फोर, ये चार फेजेस होते हैं। चार फेजेस में डिफरेंट डिफरेंट आप देखोगे कि आपको जो है डिफरेंट डिफरेंट प्रॉब्लम्स क्रिएट होगे। जिसको भी यहाँ पे माइग्रेन की शिकायत थी पहले या फिर अभी है, तो उन वो लोग ये चीजें बहुत अच्छे से समझ पाएंगे, और जिसको नहीं है शिकायत तो वो अपने आप को इन सब चीजों से जैसा बचा सकते हो आगे होने वाली, ओके। सो फेज वन में हम देखेंगे वो प्रोड्रोम होता है। प्रोड्रोम मतलब बहुत ही इनिशियल फेज। ये माइग्रेन हेडेक के जिसके साइंस और सिम्टम्स है, फेज वन के बारे में हम बात करेंगे। यहाँ पे देखिए आप यॉनिंग, यॉनिंग मतलब जमाई देना, यू नो जैसा अंगड़ाई लेते हैं एंड बहुत स्लिपी स्लिपी फील होता है। इसे ये कब होता है कि आप आपका जो ये डोपामाइन लेवल है, आपका जो हार्मोन्स आपका ब्रेन कंट्रोल करता है हाइपोथैलेमस में, वो जो है वो फ्लक्चुएट हो जाता है, लो लेवल में हो जाता है, डिस्टर्ब हो जाता है, तब आपको क्या होता है यॉनिंग शुरू हो जाती है। ये देखिए आप यॉनिंग मतलब आप जामुड़ी देता है तो ओके मराठी में इसको बोलते हैं। तो यॉनिंग इज नॉट लाइक आपको नींद ही आ रही है, नॉट लाइक दैट। आपको करना है काम, आपको पता है मैं तो पूरा सो चुकी हूँ, मैं अच्छी नींद ली हूँ, लेकिन मुझे क्यों आ रहा है यॉनिंग्स, बार बार क्यों हो रहे हैं। तो दैट इज एक प्रोड्रोम लक्षण होता है, ये बहुत ही शुरू का लक्षण होता है। एंड ये बार बार आते हैं, किसी को नॉर्मल तो यॉनिंग्स आते ही है सबको, लेकिन बार बार आते हैं। सो यू शुड अंडरस्टैंड कि आपको कहीं तो भी कुछ तो भी लोचा, केमिकल लोचा जिसे बोलते हैं हम, समथिंग इज गोइंग ऑन, कुछ तो भी माइंड में हो रहा है, राइट। सो ये होता है। फिर बाद में आपको लिथार्जी फील होता है। लिथार्जी यानी टोटली आपको टायर्ड, एग्जॉस्टेड, एनर्जी बिल्कुल डाउन हो गई। आप बोलते हो ना कि बहुत सारे लोग यू नो ये सब शिकायतें भी हम लोग जब किसी को बताते वो बोलते हैं तेरा तो हमेशा मूड ही ऑफ रहता है, एंड यू ऑलवेज लाइक लो डाउन ही रहते हैं या फिर रहता है, यू नो। लेकिन उनको ये नहीं समझता कि हम जो ये कंप्लेन बता रहे हैं उनको सही भी वो प्रॉब्लम होती है। सो हमें वो जानना बहुत जरूरी होता है। देन यू कम ऑन फोटोफोबिया। फोटोफोबिया यानी कोई भी लाइट पे सेंसिटिव होना। माइग्रेन का अगर आपको स्टार्ट हो रहा है, माइग्रेन पेन आपको स्टार्ट हो रहा है, माइग्रेन हेडेक स्टार्ट हो रहा है, आपको ये सब चीजें शुरू में स्टार्टिंग में फर्स्ट फेज में दिखाई दिए, फोटोफोबिया, आपको बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए, आपको ऐसा लगेगा पूरा लाइट बंद कर देना, डार्क कर देना रूम एंड जस्ट गो टू स्लीप, ओके, ये आपको लगेगा। तो ये क्या है, विजुअल पाथवे डिसफंक्शन हो जाता है। नाउ ये एग्जैक्ट कॉजेस इसके जो है मेडिकल रिलेटेड जो एग्जैक्ट कॉजेस है, फोटोफोबिया है या फिर और भी, सो ये ना पूरी तरह से आज भी उस पर रिसर्च जारी है, ओके। तो ये जो है आज तक जितना फाइंड आउट हुआ है उसके बारे में मैं आपसे शेयर कर रही हूँ। अभी देखो फोनोफोबिया मीन्स यहाँ पे क्या होता है, आप बहुत ही सेंसिटिव हो जाते हैं साउंड की तरफ, आपको बिल्कुल कोई आवाज बर्दाश्त नहीं होती जब आपका माइग्रेन स्टार्ट होने का फर्स्ट फेज रहता है, और बिल्कुल लाइट नहीं चाहिए, आवाज नहीं चाहिए, आप बिल्कुल बोर हो चुके, ये दिखता है। हम फेज वन में ये भी दिखेंगे कि आपको कहीं ना कहीं ऐसे लगता है कुछ क्रेविंग छूट जाते हैं, जो क्रेविंग्स हम बोलते हैं कि नहीं खाना है, जैसे कि अब यहाँ पे देखो फुल ऑफ कार्ब्स, ओके। लेकिन ये भी क्यों होता है, क्योंकि हमारे अंदर जो हार्मोन्स होते हैं वो भी चेंज होते हैं, इसीलिए क्रेविंग्स छूटता है, जैसे डोपामिनिक डोपामिनर्जिक एक्टिविटी इन द हाइपोथैलेमस, ये यहाँ पे रीजन में जो हार्मोन्स बनते हैं तो उसमें चेंज होता है। एक्सेसिव थर्स्ट होती है, बहुत प्यास लगती है किसी किसी को उस दौरान, जैसे कि फूड क्रेविंग्स हो रहा है वैसे ही आपको प्यास लगना शुरू होती है। कोल्ड सेंसिटिविटी बढ़ जाती है, ठंडा बिल्कुल नहीं भाता है, मतलब यू नो हाथ पैर ऐसे ठंडे ठंडे होने लगते हैं। फिर स्वेटिंग होता है बहुत सारे, अगर ठंडी का मौसम है तो आपको स्वेटिंग होगा, अगर गर्मी का मौसम है तो वहां लाइक ठंडी का मौसम है तो आपको
ठंडी भी लग सकती है और गर्मी का मौसम है तो आपको गर्मी भी लग सकती है या फिर वाइस वर्सा। अब टेम्परेचर चेंजेस में ये परसेप्शन चेंज हो जाते हैं उस समय। सेकेंड जो फेज है जिसे हम ऑरा बोलते हैं, ओके, ऑरा बहुत ही ये अहम है, इससे ही बहुत लोगों का पता चलता है माइग्रेन हो रहा है करके। ये विजुअल है, आंखों का जो रोशनी है, आंखों से हम जो देखते हैं माइग्रेन, इससे हमें बहुत हद तक पता चलता है। अभी ये जो फर्स्ट पिक्चर मैंने यहाँ पे डाला हुआ है, स्किटिलेटिंग स्कोटोमा, इसे ये वर्ड थोड़ा डिफिकल्ट है बोलने के लिए, लेकिन आप पिक्चर से आप देख सकते हो कि ये सब दिखना शुरू हो जाता है। मतलब ये देखो ब्लैक एंड ग्रे के बीच में जो कलर है, ऐसा स्पॉटी, जिसको भी माइग्रेन हुआ है या फिर गुजर रहे इस सिम्टम से तो वो जानते हैं ये तकलीफ। तो ऐसा धुंधला सा ऐसे स्पॉट्स दिखना शुरू हो जाते हैं, यू नो, और फिर बाद में दिखता है किसी को क्या होता है कि शेप्स दिखते हैं, लाइंस दिखते हैं, यू नो, स्क्वायर दिखने लगता है, ट्रायंगल दिखते हैं, किसी को विजुअल फील्ड डिफेक्ट्स दिखते हैं, मतलब पूरा पूरा आगे का पिक्चर नहीं दिखता है, साइड का ब्लैक दिखता है और अंदर का थोड़ा सा क्लियर, लेकिन वो भी धुंधला। एंड देन यू विल सी द रिडक्शन एंड लॉस ऑफ विजन, किसी को एकदम काला सा दिखाई देता है आंखों के सामने, जैसा पूरा ब्लैक हो गया। उस समय तो बिल्कुल इंसान चाहता है कि बस आंखें बंद करके आराम करें, या तो इस तरह से हम देखते हैं। और किसी को क्या होता है कि रेनबो जैसा तारे नजर आते हैं, जैसा इस साइड से आपको ऐसे ऐसे तारे नजर आते हैं, रेनबो, पीले नीले कलर के तार नजर आते हैं, ये सब विजुअल इफेक्ट है, ये ऑरा में आते हैं सेकेंड फेज ऑफ माइग्रेन में। ओके, अभी भी हम पहले हमने देखा जो विजुअल इफेक्ट है, ओके, जो हमको आंखों से जो प्रॉब्लम्स आ रहे थे देखने में वो देखा था। अभी हम देखेंगे ऑडिटरी यानी आपको बोलना या फिर सेंसरी, ओके, आपको टच करते हैं, क्या फील होता है, ये सब इस फेज में आपको दिखाई देगा सेकेंड फेज में। इसमें आप देखोगे टिनिटस, यानी हमको कानों में कुछ ना कुछ आवाजें आती है, यू नो, किसी को आती है, सभी को ये सिम्टम दिखे ऐसा नहीं है, इसमें से कुछ सिम्टम दिखते हैं, किसी को नहीं दिखते हैं, किसी को सभी दिखते हैं और किसी को दो तीन भी दिखते हैं, ऐसा है। ओके, टिनिटस यानी कुछ आवाजें आती है, फिर धीरे धीरे क्या होता है फेज टू में आवाज आना भी बंद हो जाता है, लॉस ऑफ हियरिंग हो जाता है, पैरेस्थेसिया मींस यहाँ पे क्या होता है कि तुम्हारा जो सेंसेशन है प्रिक सेंसेशन थोड़ा सा कम हो जाता है, और ट्रांजिएंट डिज़निया, मतलब यहाँ पे आप जब बात करते हो, ओके, आप बात करते हो तो आपका बात करते करते भी वो जो वर्ड्स है वो ब्रेक हो जाते हैं। तो ये सब क्या है माइग्रेन के सिम्टम फेज टू में जाने के बाद। ओके, नाउ हियर इज द मेन, अब भी माइग्रेन का जो मेन हेडेक है यहाँ पे शुरू हो रहा है, ये है थर्ड फेज। जो हमने दो फेज बताया है, ये वाज जस्ट स्टार्टिंग था माइग्रेन का, ये थर्ड फेज है, दैट इज हेडेक। हेडेक ये कौन सा टाइप के आप देख रहे हैं, वन साइडेड हेडेक, लेडी का जो पिक है वहां पे देखिए, यूनिलैटरल बोलते हैं इसको, ओके, बायलैटरल है ना, दोनों साइड, यूनिलैटरल यानी वन साइड। तो ये हेडेक कैसा होता है, बहुत पल्सटाइल होता है, थ्रॉबिंग होता है, बहुत ऐसा ठस ठस करता है, अगर आप ऐसा हाथ भी लगाओगे सिर के ऊपर तो आपको लगेगा फट रहा है, ऐसा थ्रॉबिंग हो रहा है। ओके, सो ये भी जो पेन होता है माइग्रेन हेडेक का, ये मॉडरेट टू सीवियर इंटेंसिटी तक चले जाता है, मतलब माइल्ड से शुरू नहीं होता, मॉडरेट से ही शुरू होता है। ओके, थोड़ा ज्यादा ही मतलब पेन स्टार्ट होता है और बहुत इंटेंस भी हो जाता है। बहुत ज्यादा पेन होना माइग्रेन में इट्स वेरी डेंजरस, अच्छा नहीं है। और ये जो पेन है ये 4 घंटे से 72 घंटे तक चलता रहता है, इसका ड्यूरेशन जो देखेंगे, ये 4 घंटे में आप नॉर्मल हो जाते हो, उसके बाद जो है 72 आवर्स तक ये चलता है। और कोई भी फिजिकल एक्टिविटी आप करते हो, जब आपको माइग्रेन का हेडेक आता है तो प्लीज आपको यही बोलूंगी कि आप बिल्कुल फिजिकल एक्टिविटी स्टॉप करो, उस समय आपको रेस्ट करना बहुत जरूरी होता है, क्योंकि ये जो मैंने टाइमिंग बताया है 4 से 72 घंटे का, तो 4 आवर्स में आप बिल्कुल नॉर्मल स्थिति में आ सकते हो, अगर आप प्रॉपर डाइट प्रॉपर रेस्ट कर रहे हो आप। ओके, सो आपको एक्टिविटी जो है आपका कंडीशन और बिगाड़ सकता है, मतलब जो ज्यादा इंटेंस हेडेक होने वाला है वो आपका स्टॉप कर सकता है, या फिर आपको माइग्रेन और करते जा रहे हो, आप काम बोलते जा रहे हो, वो आपको वर्सन करेगा, आपके टिश्यू जो है ब्रेन के उसके ऊपर अफेक्ट करेगा, तो इम्प्रूव योर रेस्ट। ओके, अभी थर्ड फेज जो है वो ये एसोसिएटेड सिम्टम है हेडेक, माइग्रेन के जो थर्ड फेज में आएंगे ये तो एसोसिएटेड है, मतलब ये रह भी सकते हैं और नहीं भी रह सकते हैं। जैसा फोटोफोबिया मैंने बताया,
लाइट्स की वजह से प्रॉब्लम होता है, कोई भी उजाला सही नहीं जाता है। मुझे भी यही तकलीफ होती थी रात के समय, तो मैं जब बाइक भी चलाऊ या फिर कार में भी रहूं तो मुझे आगे की लाइट से मुझे कुछ भी दिखाई नहीं देता था और मुझे बहुत तकलीफ होती। लिटरली मुझे मेरा फेस जो है हाइड करना, मतलब आंखों को हाइड करना पड़ता था, मुझे इतना फोकस बिल्कुल तकलीफ देता था। फोनोफोबिया जैसा मैंने बताया है, आवाज से भी तकलीफ होती, बहुत शांति चाहिए, या फिर नौशिया एंड वॉमिटिंग, स्पेशली ये माइग्रेन हेडेक में बहुत से लोगों को मतली होती है और वॉमिटिंग होती है। उनको लगता है कि वॉमिटिंग करने के बाद ही राहत मिलती है और वो हैबिचुअल भी हो जाते हैं वॉमिटिंग करने के लिए। रिनोरिया होता है, एक नेजल डिस्चार्ज होता है यहाँ पे रिनोरिया, आंखों से भी पानी आता है, नाक से भी पानी आता है। रिनोरिया एक यू नो एक स्टिकी डिस्चार्ज आता है या फिर क्लियर डिस्चार्ज आता है बिकॉज ऑफ कंटिन्यूस हेडेक, किसी किसी को डिस्चार्ज होता है। नोज से लैक्रिमेशन यानी आंखों से पानी, यहाँ से पानी नीचे गिरता है, आपको पता भी नहीं चलता है लेकिन पानी कंटिन्यूस चालू रहता है क्योंकि हेडेक बहुत सीवियर होता है इस समय। अभी जो फोर्थ फेज है पोस्ट ड्रोम, जैसा हमने प्री ड्रोम देखा था स्टार्टिंग में क्या होता है यू नो, फिर बाद में हमने सेकेंड फेज देखा, थर्ड एंड नाउ फोर्थ पोस्ट ड्रोम यानी लास्ट वाला। अभी हेडेक हो चुका, ओके, माइग्रेन का हेडेक हो गया है, लेकिन उसके बाद क्या होता है, इफ यू फिनिश द सिम्टम, आपको वो पूरे सिम्टम्स खत्म हो गए लेकिन फिर भी आप बोल रहे हो नहीं ना मैं अभी ठीक है, मुझे सब बराबर से दिख रहा है और मुझे सुनाई भी ठीक से दे रहा है, नहीं इसके बाद भी आपको सिम्टम्स रहते हैं, सो आपको काम डाउन करना है, आपको पता रहना चाहिए क्या एग्जॉशन हो जाते हैं, आप एकदम ब्रेन एकदम टायर्ड हो जाता है, थक जाता है ब्रेन आपके वो पेन के कारण, ओके। इरिटेबिलिटी आता है, मतलब आपको दिल नहीं बोलता है, बस चिड़चिड़ापन हो सकता है, तो कभी भी किसी को माइग्रेन है वो चिड़चिड़ा कर रहा है तो आप उसको प्लीज गलत मत समझिए, आपको उसका जो भी कंडीशन है उसको जानना बहुत जरूरी होता है। फिर आपका पूरा कंसंट्रेशन होता है, आप आगे का क्या बोल रहा है या क्या हो रहा है आप बिल्कुल उस चीज पे कंसंट्रेशन नहीं कर पाते। डिजीनेस होता है, डिजीनेस यानी एकदम यू नो घूमता है ऐसा, सिर घूमने घूमने लगता है और बिल्कुल कुछ करने का मन नहीं करता है। सो ये हुआ माइग्रेन के बारे में इन शॉर्ट। अभी यहाँ पे कुछ ट्रिगर फैक्टर है जो नॉन ट्रिगर है, मतलब कुछ भी नहीं करने से ये माइग्रेन हो सकता है, लेकिन किस स्टेज पे, अगर आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल है, ओके, आपका मेंस्ट्रुअल साइकिल, कभी कभी लेडीज को उसके पहले भी माइग्रेन होता है, माइग्रेन का तकलीफ होता है या फिर मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान भी होता है, तो क्योंकि वहां पे हार्मोनल चेंजेस हो जाते हैं। और फिर उसके बाद जो है प्रेगनेंसी में भी, फर्स्ट मंथ ऑफ प्रेगनेंसी से भी आपको माइग्रेन की शिकायत शुरू हो जाती है बिकॉज लेडीज को जो है वॉमिटिंग शुरू हो जाते हैं, फिर उन डिहाइड्रेट बॉडी हो जाता है, बहुत से चीजें जिसके वजह से वो फेस कर सकती है। फिर स्लीप डिप्रिवेशन जैसे पहले भी मैंने बताया है, फिर या फिर कम स्लीप होने से भी माइग्रेन होता है या फिर बहुत ज्यादा सोने से भी माइग्रेन होता है, ओके, ये ध्यान में लीजिए आप। फिर बाद में है जो ओडर्स यानी स्मेल, कोई भी हम परफ्यूम लगाते हैं या फिर किसी ऊद जलाते हैं, कोई बहुत उसका स्मेल बहुत स्ट्रांग होता है, तो किसी किसी को बिल्कुल स्मेल सही नहीं जाती है, उनको छोटा माइल्ड स्मेल से भी बहुत तकलीफ होता है, तो वो माइग्रेन का तकलीफ होता है बिकॉज वो सेंसिटिविटी हो जाती है उनकी हर चीज से, बाहरी जो भी चीज हो रही है थोड़ा भी चेंजेस में वो सेंसिटिव हो जाते हैं, और वेदर में जो भी चेंजेस होते हैं क्लाइमेट में उसके वजह से भी माइग्रेन हो सकता है। बहुत ज्यादा एक्टिविटी करोगे हद से ज्यादा उससे भी तकलीफ होगा, इसीलिए आपके बॉडी को जितना सूटेबल होता है उतना ही कीजिए, क्योंकि हम जोश में बहुत ज्यादा हाइपर एक्टिव होके वी टेक स्टेप अहेड, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए। देन ट्रैवलिंग, किसी किसी को ट्रैवलिंग से होता है, बस में चलते समय, किसी को कार में या फ्लाइट में किसी किसी को तकलीफ होती है, ये मोशन सिमुलेटर्स होते हैं इसकी वजह से भी माइग्रेन का तकलीफ बिल्कुल आम बात है, और ज्यादा हीट की वजह से या फिर ज्यादा शोर की वजह से भी होता है। अभी डाइटरी ट्रिगर्स जो है, मतलब ये तो नॉन डाइटरी हो गया, मतलब नहीं खाने पीने से भी वो हो रहा था, ओके, लेकिन खाने क्या चीजें हैं कि जो ज्यादा मात्रा में कभी किसी को सूट नहीं करती या फिर किसी को सूट भी कर जाती है, जैसे कि अभी कैफीन है, कैफीन अभी देखा जाए कॉफी में कैफीन होता है, तो ज्यादा एक्सेस कॉफी तुम लोगों को नहीं चलेगा बिकॉज वो हिट करता है तुम्हारे ब्रेन पे, और किसी किसी को कॉफी की वजह से भी माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है, सो यहाँ इस चीज का ख्याल जरूर रखना है। फिर चॉकलेट्स को खाने के बाद, चॉकलेट खाते समय अच्छा लगता है लेकिन बाद में माइग्रेन हिट करता है उनको। फिर MSG दैट इज मोनोसोडियम ग्लूटामेट,
ये ऐसा पदार्थ है जो फूड को एनहांस करता है होटल्स में या बाहरी पैकेट फूड्स में ये यूज किया जाता है, खाने में डाला जाता है उसका टेस्ट बढ़ाने के लिए। इसके वजह से भी किसी किसी को माइग्रेन, जो लोग बोलते हैं बाहर का खाना खाने से मेरे सिर में दर्द हो रहा, माइग्रेन हुआ, वॉमिटिंग हुई, एक्चुअली वो इन्ग्रीडियंट्स क्या यूज करते हैं अंदर, उसके वजह से ये सब माइग्रेन स्टार्ट हो जाता है बाद में। हमको पता नहीं रहता हमको वो पर्टिकुलर चीज से हमको माइग्रेन हुआ है करके। हमें ये ख्याल हमेशा रखना है कि इसमें कुछ तो भी डाला हुआ होता है जब हमको बिल्कुल सूट नहीं होता है। इसकी वजह से ये होता है। अभी नाइट्रेट्स और नाइट्राइट्स एंड नाइट्रेट्स, तो ये भी पदार्थ है जो हमारे समझो चिप्स में यूज किया जाता है या फिर फूड को कलर सॉरी फूड प्रिजर्वेटिव्स में यूज किया जाता है, इसकी वजह से भी किसी किसी को हेडेक हो सकता है। आर्टिफिशियल स्वीटनर टैमटम जिसे हम बोलते हैं कि हम जो शुगर फ्री ये वो, तो सभी को लागू नहीं होता है। कभी भी यू हैव टू ट्रायल बेसिस कभी भी किसी के ऊपर भी करना चाहिए। सॉरी आर्टिफिशियल स्वीटनर से भी तकलीफ हो सकती है। फिर डेयरी प्रोडक्ट्स, बहुत ज्यादा एक्सेस में चीज खाने से भी माइग्रेन होता है। ये तो रिसर्च बताता है, लेकिन आप मुझे बताओ, गांव में भी लोग रहते हैं जिनके पास बिल्कुल चीज भी अवेलेबल नहीं एंड नथिंग, फिर भी उनको माइग्रेन होता है। एक ही कोई फैक्टर नहीं है कि जिसकी वजह से आपको ये सब चीजें होती है। फिर जो देखा जाए अल्कोहल तो बहुत ही हार्म करता है, स्पेशली डार्क अल्कोहल जो रहते हैं, रेड वाइन है या फिर डार्क कलर की जो भी अल्कोहल से, उसकी वजह से आपको माइग्रेन हिट कर सकता है द नेक्स्ट डे। हैंगओवर होने के बाद यू शुड नो कि आपको कितना मतलब अल्कोहल तो हम प्रोहिबिट करते हैं यहाँ पे, लेकिन काफी लोगों को आदत होती है। उसका एक क्वांटिटी होता है एंड उसका एक स्टडी होता है, देन ओनली अल्कोहल कंजप्शन इज ओके, बट अगर आप एक्सेस में कुछ भी करते हैं दैट इज नॉट फाइन। तो सिट्रस फ्रूट जो होते हैं जैसे कि ऑरेंजेस हैं, लाइम या फिर कुछ भी, अभी हम किसी किसी को लगता है सिट्रस फ्रूट एवरीडे खाने से विटामिन सी मिल रहा है तो एक्सेस ऑफ सिट्रस फ्रूट खाते हैं, बट आपको ख्याल रखना है कि किसी किसी को सर दर्द भी उसके बाद शुरू हो जाता है द नेक्स्ट डे। तो आपको ये जरूर ध्यान रखना है सिट्रस फ्रूट आपको कितना लेना है, अगर नहीं लिया तो आपको क्या फर्क पड़ रहा है, या फिर विटामिन सी आप कोई और तरीके से भी आप ले सकते हो। फिर है फास्टिंग, ज्यादा फास्टिंग करोगे तो माइग्रेन हिट होगा। ओवर ईटिंग भी ज्यादा करने से माइग्रेन हिट होता है। ये बातें आपको ध्यान रखनी। सो नाउ लेट्स सी क्लस्टर हेडेक। क्लस्टर हेडेक मतलब ये इतना ना सीवियर होता है, इसे सुसाइडल हेडेक बोलते हैं। इतना बैड हेडेक होता है कि ये वन ऑफ द मोस्ट स्ट्रॉन्ग हेडेक है और ये आपको एकदम नींद में से उठा देगा, इतना इंटेंस पेन उसका होता है और ये आंखों के बाजू में ज्यादा दर्द होता है। आप ये पिक्चर में देखोगे कि पेन अराउंड आई बहुत सीवियर होता है इसमें, ये आंखों पे जो दर्द उठता है ये पूरा शिफ्ट इधर गर्दन की तरफ चले जाता है, वन साइडेड ये मतलब हेडेक, तो बहुत ही बहुत बुरी तरीके से, इसीलिए इसको सुसाइडल हेडेक बोला जाता है। और ये ज्यादातर मेल्स में ज्यादा दिखाई देता है और इसमें जो पेन होता है बहुत स्टैबिंग, जैसे ही कोई चाकू ऐसा मार रहा है इस तरह से वो स्टैबिंग पेन होता है, और अर्ली मॉर्निंग्स में ज्यादातर ये देखा जाता है। एंड ये क्या होता है कि इसकी अगर क्लस्टर हेडेक शुरू हो गया तो अल्टरनेट डेज पे ये होता है, एक दिन आड़ होता है और ये 8 दिन तक चल सकता है ये हेडेक, इतना सीवियर होता है। लैक्रिमेशन होता है, जैसा मैंने बताया आपको कि आंखों में से पानी निकलना या फिर रिनोरिया, ये नाक में से पानी आता है, रनी नोज हो जाता है, और यहाँ पे आप देखेंगे कि ये जो जॉज का एरिया है ये भी उसमें इन्वॉल्व होता है, चिक्स इन्वॉल्व होते हैं, ये ऑर्बिटल एरिया इन्वॉल्व होता है, ये सब क्या है, इसको पेन बहुत स्टैबिंग पेन होता है, यहाँ पे बहुत सीवियर होता है, ये नींद में से आपको जगाता है इतना पेन सीवियर होता है इसमें। फिर टोसिस होता है, टोसिस यानी जो आईलाइट है, ये जो हमारा ऊपरी भाग है, आई डोंट नो इसको मराठी में क्या बोलते हैं, लेकिन ये ड्रॉप हो जाता है, ये ना ऐसा गिर जाता है नीचे आईलाइट, तो ये होता है। फिर मियोसिस होता है, ये जो मियोसिस मतलब ये जो काला ये जो प्यूपिल रहता है ना अंदर, वो श्रंक होता है, कम हो जाता है क्योंकि कंटिन्यू पानी बहता है, फिर वो श्रंक हो जाता है और जिसकी वजह से ड्राइनेस बहुत ज्यादा आंखों में बढ़ जाती है। फिर अल्कोहल टोबैको भी क्लस्टर हेडेक, स्पेशली मेल्स में क्यों बोला जाता है, जो मेल्स एक्सेसिव अल्कोहल कंज्यूमशन करते हैं, स्मोकिंग करते हैं, टोबैको इंटेक करते हैं, उनको क्लस्टर हेडेक होता है। ये क्लस्टर हेडेक बाद में बहुत सीवियर हो जाता है। फिर आपको MRI CT स्कैन
एंड इमेजिंग टेक्नोलॉजी सभी के लाइक यू तुमको सभी से गुजरना पड़ता है। इसके लिए फैमिली हिस्ट्री काफी कॉस्ट करती है। अगर तुम्हारे फैमिली में किसी को है तो जरूर तुमको वो होगा, जैसे माता पिता को आपके अगर हो रहा है क्लस्टर हेडेक तो चांसेस बहुत है आपको। लेकिन अगर आप लाइफस्टाइल चेंज करते हो तो डेफिनेटली चेंजेस हो जाते हैं। सो और किसी को बहुत ही सीवियर एलर्जीज होती है उसकी वजह से भी क्लस्टर हेडेक होते हैं। अभी क्लस्टर हेडेक के जो सिम्टम्स है, इन शॉर्ट आप देखोगे कि आंखों में देखो लालपन आया है ना, पानी आ रहा है, लालपन आ रहा है, आईलिड का सूजन आया है पूरा आईलिड के ऊपर, जैसा मैंने पहले बताया रनी नोज है, फिर नेजल कंजेशन, ये जो नाक के अंदर जो है बंद हो जाता है, सांस नहीं ले पाते हैं क्योंकि अंदर का जो है ड्राइनेस की वजह से फूल जाता है। फिर फोरहेड और फेशियल स्वेटिंग आता है, कभी कभी चेहरे के ऊपर बहुत पसीना आ जाता है। और इसमें भी क्या ट्रिगर करता है, जैसा मैंने बोले फैक्टर्स कौन से ट्रिगर करते हैं, अल्कोहल है, टोबैको, ज्यादा हीट की वजह से, और सभी सभी टाइप का हेडेक, मतलब मेन कॉज क्या है, लाइट एक्सपोजर। अगर आप धूप में ज्यादा जाते हो तो आपको बिल्कुल पेन होता है। फिर स्ट्रेस है, हिस्टामिन है, नाइट्रोग्लिसरीन जैसा मैंने पहले बताया, फिर स्ट्रॉन्ग एक्सरसाइज, सैंड्स, ये सब चीजें आपको क्लस्टर हेडेक बढ़ाएगा। नाउ हम चलेंगे सेकेंडरी हेडेक के ऊपर। ये पूरा प्राइमरी था, माइग्रेन था, क्लस्टर था, टेंशन हेडेक, ये पूरा प्राइमरी। सेकेंडरी में क्या होता है कि ये कोई ये नॉर्मल नहीं है, ओके? जो पहले वाला हेडेक था वो पूरे नॉर्मल है, ये चेंजेस होते हैं, लेकिन सेकेंडरी हेडेक इज वेरी डिफिकल्ट। ये एक एबनॉर्मल कंडीशन है जब तुम्हारे ब्रेन में हो जाती है। ये कब होती है, जब आपको कुछ ट्रॉमा हुआ है, कुछ मार लग गया है, अंदर ही अंदर हमको पता भी नहीं चलता है, अंदर ही ब्लीडिंग हो रही है, मालूम भी नहीं, हिमाटोमा तैयार हो रहा है जिसकी वजह से पूरे नस बंद हो गए हैं, फिर हमको ऐसे ही लगता है नॉर्मल हेडेक हो रहा है, बट नहीं, आपको ये सब देखना है, कहीं आपको मार तो नहीं लगा, कहीं गिर तो नहीं गए, ओके? ये बात का आपको ध्यान रखना है। फिर है इन्फेक्शन, मेनली इन्फेक्शन अंदर ही अंदर हो जाते हैं, बैक्टीरियल है, वायरल मेनिनजाइटिस है, ओके? अंदर सूजन आ जाती है। फिर सेरिब्रल हाइपोक्सिया, यहाँ पे क्या बोलते हैं, ऑक्सीजन की कमी होना, हाइपोक्सिया यानी ऑक्सीजन कम होना। अगर आपको ऑक्सीजन लेवल कम हो रहा है ब्रेन में तो आपको बिल्कुल ये नॉर्मल नहीं है, ये बहुत ही एबनॉर्मल कंडीशन, ओके? हाइपरटेंशन, ज्यादा बीपी बढ़ गया तब आपको सेकेंडरी हेडेक होता है, वो भी बहुत डेंजरस होता है। फास्टिंग मोड में भी जाने की वजह से सेकेंडरी हेडेक कॉज होता है, तो आप बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप फास्टिंग कर रहे हैं कोई भी, तो आपको बिल्कुल आपके खाने पीने का, आप क्या ले रहे हो, कैसा ले रहे हो, आपके बॉडी को कैसा मेंटेन कर रहे हो, ये सबको आपको ध्यान में मद्देनजर रखते हुए आपको उस चीज को फॉलो करना है। रिनोसाइनोसाइटिस होता है, बहुत साइनस होता है किसी किसी को, वहां पे सूजन आ जाती है। हमारी स्पेशल में या फिर ब्रेन के अंदर ना ऐसी पोकड़ प्लेसेस रहते हैं जहाँ पे कुछ नहीं रहता है, गैप्स रहते हैं, वो गैप्स के अंदर क्या होता है, स्वेलिंग होता है, तो इसको साइनोसाइटिस या रिनोसाइटिस बोल सकते हैं हम लोग, तो वहां पे इन्फेक्शन हो जाता है। तो ईयर, नोज एंड थ्रोट, ये ईएनटी का भी प्रॉब्लम यहाँ पे आपको सेकेंडरी हेडेक देगा। ट्यूमर्स होते हैं किसी किसी को, ये तो बहुत ही डेंजर होता है, किसी किसी को पता ही नहीं चलता, सिर्फ हेडेक हो रहा है, गोली खा रहे, ये गोली खा रहे, वो गोली खा रहे, लेकिन आपको अगर बार बार हो रहा है और एवरी टाइम वो बढ़ते जा रहा है, तो आपको बिल्कुल कोई नजदीकी डॉक्टर के पास आपको बिल्कुल इसके बारे में बताना है। फिर ग्लूकोमा है, जिसका आंखों में इन्फेक्शन होता है, कंजक्टिवाइटिस हो जाता है, ओके? अभी इसको डायग्नोस कैसा करते हैं कि जनरल हेडेक के लिए हमें कोई डायग्नोस की जरूरत नहीं, जांच की जरूरत नहीं, जो जनरल होता है वो लाइफस्टाइल चेंजेस की वजह से आप बिल्कुल वो हेडेक आप कम कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको लग रहा है कि फीवर है और उसके साथ भी हेडेक है, या फिर आपको विजनरी इफेक्ट आपका रॉन्ग हो रहा है, आपको ठीक से दिखाई नहीं दे रहा, झटके आ रहे हैं, वॉमिटिंग हो रहा है, तो आपको बिल्कुल कुछ टेस्ट करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल ब्लड टेस्ट करते हैं, MRI करते हैं, लंबर पंक्चर करते हैं। अभी लंबर पंक्चर होता क्या है, हमारे जो सेरेब्रोस्पाइनल फ्लूइड होता है ना, उसकी जांच हम करते हैं, वो फ्लूइड निकाल के फिर जांच किया जाता है कहीं इसमें इन्फेक्शन तो नहीं ब्रेन के अंदर, ओके? फिर उसको हम प्रिवेंट कर सकते हैं। अभी हम प्रिवेंशन की ओर देखेंगे, मॉर्निंग वॉक बहुत इंपॉर्टेंट है, फिर प्राणायाम है, एक्सरसाइज है जो हम रोज अपने मंच पे एवरीडे करते हैं, रेगुलर रूटीन ऑफ मील्स एंड बेड टाइम, खाने का जो समय होता है, सोने का समय होता है, ये सब हम अभी इस फैमिली में आने के बाद हमने ये सब चेंजेस किए हैं, और जो अभी नए जुड़े हुए हैं तो बिल्कुल डेफिनेटली वो लोग भी इस लाइक
इसको फॉलो करेंगे। हमें स्ट्रेस अवॉइड करना है, हेल्दी इंटेक ऑफ न्यूट्रिशन, इस बारे में हमको बहुत अच्छे से बहुत अच्छे से नॉलेज चाहिए। एवरीडे हम सेशंस अटेंड करते हैं, हमको बहुत सारा नॉलेज गेन होता है एंड हम इंप्लीमेंट करने की बहुत कोशिश करते हैं। फ्लूइड इंटेक अच्छा होना चाहिए, हमको बताया जाता है कितना पानी पीना है, फिर कैफीन और अल्कोहल को अवॉइड करना है। भले ही हमारे ऑपरेशन में कैफीन है लेकिन ये प्लांट बेस्ड है और ये प्रूव्ड है कि इससे कुछ भी आपके बॉडी को हार्म नहीं करेगा। आप बाहरी कैफीन ले रहे हो तो उसके बारे में यहाँ पे कोई भी आपको ठीक तरह से इतना डिटेल नहीं बता पाएगा, क्योंकि हमें पता ही नहीं होता है वो कहाँ से आ रहा है, कैसा आ रहा है और उसमें क्या मिलाया जा रहा है। लेकिन अपने पास जो भी बन रहा है ऑपरेशन जिसमें कैफीन है, इसके बारे में हम बड़े ही दाव से हम लोग कह सकते हैं कि ये बेस्ट है आपके लिए, आपको स्ट्रेस जो है अवॉइड करना है। ओके, सो सभी पे एक ही सोल्यूशन है कि मेरा खुद का जो बदलाव हुआ है, जैसे कि मुझे पहले बहुत माइग्रेन हो रहा था, मुझे तकलीफ थी, ये सभी जो विजुअल चीजें थी मैंने पूरे वो आजमाए हैं। तो मैंने ये फर्स्ट सेट यूज किया था, जैसा बहुत ही बेसिक मील है अपना चाय नाश्ता, यही मैंने रिप्लेस किया था शुरू में। सो मुझे उसी में ही पूरी तरह से बहुत अच्छी तरह से मुझे फर्क आया था। फिर बाद में मुझे मेरे कोच है सचिन पाटिल सर, उन्होंने मुझे काफी उसके अंदर फिर कुछ एडिशनल फ्यूल्स मुझे ऐड करने के लिए बोले थे, फिर वो मैंने धीरे धीरे ऐड करके मैंने बहुत ही अपना सुंदर रिजल्ट पाया है। ओके, एंड मैं ये भी कहना चाहूंगी कि माइग्रेन या फिर कोई भी हेडेक के ऊपर ये कोई दवाई नहीं है। ओके, हम यहाँ पे सिर्फ आज भी आप अगर गूगल सर्च करो या फिर यूट्यूब देखो, किसी को भी पूछो, डॉक्टर्स को पूछो, न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन, ये आपको ये की बताएंगे कि आपको जो है लाइफस्टाइल चेंज करनी है। और हमारा काम ही ये है, हमारे मंच पे भी यही सिखाया जाता है। सो लाइफस्टाइल चेंजिंग इज द बिगेस्ट फैक्टर। और एंड आई रियली